हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रेंड्स पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंग्लिश प्रैक्टिस है, ठीक है। एक्स वाई ग्रुप का एयरफोर्स का आपका एग्जाम आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होंगे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, आपके पास 7 से 8 दिन हैं, तो अच्छे से तैयारी करिएगा, जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकते हैं करिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हमारा जो 6ठा क्वेश्चन है वो है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका यहाँ पे कीमती या महंगा। क्या होता है, कोई चीज़ एक्सपेंसिव है तो वो कैसी है, कीमती है, ठीक है। कीमती है या महंगी है तो एक्सपेंसिव है। अब कोई चीज़ कॉस्टली है, ठीक है, तो वो भी कैसी है, महंगी है। यहाँ पे जो कॉस्टली की मीनिंग है फ्रेंड्स वो टाइपिंग करते वक्त गलत हो गई, ठीक है। ये COSTLY होती है। क्या होती है, COSTLY। तो आपका एक्सपेंसिव का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, कॉस्टली हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करते हैं सीप की, तो सीप का मतलब होता है सस्ता। कोई चीज़ सस्ती हो जाए तो कैसी होती है, वो सीप होती है, ठीक है। उसके बाद इनवैल्यूएबल, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो कैसी है, इनवैल्यूएबल, यानी कि अमान्य, ठीक है। नन ऑफ दीज तो आप समझते ही होंगे, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंसिव का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कॉस्टली। इसके बाद बात कर लेते हैं टेक। टेक होता है लेना या, ठीक है, टेक होता है लेना या किसी को कुछ देना। टेक होता है लेना देना, ठीक है। तो इसका फ्रेंड सिनोनिम्स हो गया ऑप्शन ए गिव। गिव का मतलब भी क्या होता है, देना, ठीक है। और उसके बाद अगर बात कर लेते हैं गेट की, तो गेट क्या होता है, पाना, और रिजेक्ट क्या होता है, रद्द करना। तो आपका जो सही होगा उसमें ये वो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, टेक का हो जाएगा गिव, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पे 7th क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पे 7th हो गया, 6th 7th हो गया, और जो आपके 5 क्वेश्चन है आप सोच रहे होंगे वो कहाँ गए, तो वो आपके पैसिव के रहते हैं, ठीक है। तो पैसिव जो होता है आपका, वो पैसिव मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। पैसिव को छोड़ के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब होता है आपका, आपको सम्मान मिलना कोई, ठीक है। रिवार्ड मिलना, सम्मान मिलना, और आपको इसका क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है। तो रिवार्ड की जगह पर आपको क्या गया, ठीक है, रिवार्ड मिला आपको पहले तो सम्मान, ठीक है, सम्मान होता है। तो रिवार्ड की जगह पे अगर आपको पनिशमेंट मिल गया तो क्या हो गया, आपको दंड मिल गया, ठीक है। तो इसका जो 8 का सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, अवार्ड होता है, ठीक है। रिवार्ड का मतलब अवार्ड होता है, अवार्ड सही पे होगा, ठीक है। तो रिवार्ड का क्या हो गया, अवार्ड। और अवार्ड का फ्रेंड्स आपको मतलब बता दूं मैं, रिवार्ड और अवार्ड का क्या होता है। रिवार्ड का अर्थ होता है सकारात्मक बदला, जिसका विलोम होता है पनिशमेंट, ठीक है, दंड या सजा। तो 8 का क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। क्या हो गया 8 का, ऑप्शन ए, यानी कि पनिशमेंट, ठीक है, दंड या। देखिए 9 है यहाँ पे लीगल, कोई चीज़ लीगल है, यानी कि लीगल है, यानी कि कानून के अंतर्गत कार्य कर रही है, यानी कि जो रेगुलेशन रूल एंड रेगुलेशन है उसके तहत चल रही है, तो लीगल है। अगर वो इलीगल है तो कानून के अंतर्गत, यानी कि जो रूल्स रेगुलेशन है उनके तहत नहीं चल रही, ठीक है। यानी कि धंधा होता है, एक तो लीगल होता है, लीगल कार्य होता है, और एक होता है इलीगल कार्य। अगर कोई बंदा लीगल कार्य कर रहा है तो यानी कि सम्मान कार्य कर रहा है, यानी कि उसके प्रति उसके एविडेंस वगैरह प्रूफ है उसके पास उस कार्य को करने का, ठीक है। उसके बजाय वो इलीगल कार्य कर रहा है तो कैसा है, यानी कि उसके पास कोई सेंस नहीं है, वो इलीगल तरीके से उस कार्य को कर रहा है, तो लीगल का एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे इलीगल, ठीक है। अब देखिए 10th क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। 10th क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट नरेशन पूछा गया है, तो इनडायरेक्ट नरेशन, देखिए आपने देखा प्लीज़, प्लीज़ को आपके देखते दिमाग में सेंस होना चाहिए कि यहाँ पे रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है, जो आपका पैसे यहाँ पे जो नरेशन है वो रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि रिक्वेस्ट के सेंस में लाता है सी रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। तो सी रिक्वेस्टेड मी हो जाएगा, क्योंकि सी सेड है, तो सी सेड की जगह पे क्या हो गया, सी रिक्वेस्टेड, ठीक है। और रिक्वेस्ट हमने किसी से की होगी, तो सी रिक्वेस्टेड मी। और डू नॉट का ये होता है फ्रेंड्स हमेशा नॉट टू, और गो अवे आपका है ही है, तो नॉट टू गो अवे, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब 11th क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस, ठीक है। इसको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर ऑफर। तो 11th का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, योर ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय मी। क्या हो जाएगा, योर ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय मी, ठीक है। देखिए ये क्यों होगा, क्योंकि योर ऑफर आपने शुरू में रखा, ठीक है। योर ऑफर के बाद आपने जो कैन नॉट है, हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय कैन नॉट, सेल नॉट, विल नॉट, तो विल नॉट भी, सेल नॉट भी, कैन नॉट भी, ठीक है। तो कैन नॉट भी हो गया, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो थर्ड फॉर्म एक्सेप्ट की क्या हुई, एक्सेप्टेड, और आपको पता ही है आई का बाई में क्या होता है, मी होता है, तो देखिए यहाँ पे आ गया मी, तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है।
इतनी अच्छी तरीके से समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है और आपको इतनी पहुंच होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 12th में वन वर्ड पूछा गया है। अब वन वर्ड भी सिंपल है, जैसे कि अ मैन हु राइट्स बुक, ऐसा व्यक्ति जो कि किताब में लिखता है, कौन है वो, ऑथर है, क्या है, ऑथर, सिंपल है यार, जो आपने बुक में पढ़ा होगा, अगर आप किसी की बुक पढ़ते होंगे तो आपसे फर्स्ट पेज पे लिखा होता है ऑथर इसके कौन है, आर एन माइट्रिन है या कोई भी हो, जो ऑथर होता है यानी कि लेखक होता है वो क्या होता है, अ मैन हु राइट्स बुक यानी कि लेखक यानी कि ऑथर, ठीक है, लेखक को ही इंग्लिश में ऑथर कह देते हैं, ठीक है, राइटर या ऑथर, ठीक है, ऑथर। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो यहाँ पे होगा वो ईमिट, ठीक है, ई एम एन आई टी, ये मीनिंग गलत है, ठीक है, इसकी जो सही मीनिंग है वो है ई एन एम आई टी वाई, और जो कि ऑप्शन बी में दे रखी है, तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए 14 क्वेश्चन आता है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, आप अच्छे से देखिएगा। ऑल्दो ही वाज वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है, ही कुड नॉट परफॉर्म, तो यहाँ पे हमको क्या पूछा गया, फिल इन विद द अप्रोप्रिएट वर्ड इन द फॉलोइंग, यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है, यानी कि जो सही वर्ड यहाँ पे उचित लगे वो आपको लगाना है। तो 14 का इसमें जो वर्ड उचित आएगा, देखिए कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार केवल ऑप्शन ए उपयुक्त है, ठीक है, क्योंकि बेल एडवर्ब है, जो बेल है आपका वो एडवर्ब है, ठीक है, और वेल एडवर्ब है जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से, अच्छी तरह, तो परफॉर्म, अगर कोई बंदा परफॉर्म करेगा तो अच्छा परफॉर्म ही करेगा ना, तो ऑल्दो ही वाज वेल प्रिपेयर्ड, ऑल्दो यद्यपि उसने अच्छी तैयारी की थी, ही कुड नॉट परफॉर्म, लेकिन वह अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, लेकिन वह अच्छी परफॉर्म्स नहीं दिखा सका, तो इसमें हो जाएगा आपका परफॉर्म वेल होगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए ही इज एबल, एबल के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, ही इज एबल टू रन 10 किलोमीटर एट अ स्ट्रेच, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एबल के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, ठीक है। 16 क्वेश्चन है, डैश यू हैव एनी डाउट कॉन्टैक्ट मी बैक, तो 16 का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है, इन केस यू हैव एनी डाउट कॉन्टैक्ट मी बैक, ठीक है, इन केस यू हैव एनी डाउट कॉन्टैक्ट मी बैक, ठीक है। अब इसके बाद आता है 17 क्वेश्चन, द बुकेट इज़ फुल ऑफ वाटर, तो यहाँ पे बुकेट इज़ फुल ऑफ वाटर, जो बाल्टी है वो किससे भरी हुई है, पानी से भरी हुई है, तो यहाँ पे जो आएगा वो फुल ऑफ आता है, ठीक है, से मतलब ये मत लगा देना, बाय अप टू विद, तीनों गलत हैं, ठीक है, यहाँ पे जो आपका अप्रोप्रिएट पड़ेगा वो पड़ेगा ऑफ, ठीक है, तो द बुकेट इज़ फुल ऑफ वाटर यानी कि जो बाल्टी है वो पानी से भरी हुई है, ठीक है। अब 18 क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको स्पॉट बताना है, स्पॉट द एरर, कौन से पार्ट्स में एरर है, देखिए एरर फाइंड आउट करनी है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, जैसे माई सिस्टर टोल्ड मी दैट, ठीक है, माई सिस्टर टोल्ड मी दैट, मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा कि सी फाउंड योर लेटर पाई, ठीक है, तो यहाँ पे सी फाउंड योर लेटर नहीं होगा, सी फाउंड हर लेटर, सी के बजाय सी से इसमें रखेंगे तो सी के साथ क्या आएगा, यहाँ पे हर लेटर, ठीक है, ना कि योर लेटर, तो सी फाउंड हर लेटर होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन सी में आपके में एरर हो जाएगी, ठीक है, सी पार्ट में यहाँ पे एरर हो जाएगी, कौन से पार्ट में, सी पार्ट में, ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 19 क्वेश्चन है, प्लूरल ऑफ माउस, माउस का प्लूरल आपको याद होना चाहिए, देखिए आपके लिए मैं आपको प्लूरल सिंगुलर के वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको डीपली समझाऊंगा सब कुछ, ठीक है, तो वो आज नेक्स्ट नाइट तक मिल जाएगी आपको, ठीक है, तो आप देखिएगा, आपको कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं किसी भी वीडियो में, अगर आपको डाउट है, अगर आपको लगता है कि उस टॉपिक में मेरे से समझ नहीं आ रहा सर, आपके द्वारा मैं उस टॉपिक को पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं स्पेशली उस टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दिया करो। यहाँ पे माउस का प्लूरल पूछा है, तो माउस का प्लूरल होता है आपका माइस, क्या होता है, माइस होता है आपका प्लूरल ऑफ माउस। अब यहाँ पे 19 के बाद आपका 20 क्वेश्चन आता है, 20 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए मैस्कुलिन ऑफ बी, बी का आपको मैस्कुलिन पूछा गया है, तो जो बी का आपका जो मैस्कुलिन होगा वो होगा ड्रोन, ठीक है, तो मैस्कुलिन जो मधुमक्खी होती है वो किसको होती है, मादा मधुमक्खी को मैस्कुलिन होती है, जो बी बोलते हैं, ठीक है, जो नर होती है, नर मधुमक्खी, उसे ड्रोन बोला जाता है, ठीक है, यानी कि DRUNE, ठीक है, तो उसकी ड्रोन की सेकंड फॉर्म यहाँ पे ली गई है DRUNE, तो वैसे सही मैंने होती है आपकी ड्रोन, तो मैस्कुलिन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए ड्रोन, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 20 से, ठीक है, हमने 5 क्वेश्चन पैसिव को छोड़ के यहाँ पे पैसेज किए, 15 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए, अगर आपकी समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सुझाव के लिए कमेंट सेक्शन में प्लीज़ जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।